बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची बंस रोड और ये न्यू दिल्ली गोला कबाब हाउस है एंड कढ़ाई कोयला कढ़ाई और ये बहुत पुरानी बहुत फेमस जगह है। आज मैं इधर आपको इनको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से जो है वो काम करते हैं। इनके गोला कबाब जो है पूरे कराची में बहुत मशहूर हैं और ये कबाब जो है ये देखें, ये बनना स्टार्ट हुआ है। मैं क्वांटिटी चेक करें आप पहले, कितनी क्वांटिटी के अंदर जो है ये कबाब जो है वो बन रहे हैं। ये सर ये कब से कितना अरसे से ये आप कर रहे हैं काम? खानदानी? हाँ खानदानी। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी क्या है? मतलब ये गोला कबाब तो बहुत सारी कराची में जगह पर मिलता है। ये कबाब फ्राई है। ये कबाब फ्राई है, आगे वाला कबाब फ्राई। अच्छा, ये अभी जो हम बारबेक्यू इसको देख रहे हैं, ये जो आप सेक रहे हैं कोयले पे, तो ये इससे हटके भी कुछ होगा अभी? जी जी है। अच्छा, क्या होगा इसके बाद? इसके बाद इसका धागा निकलेगा, इसके बाद ये पतीले में आके मक्खन डाल के फ्राई होगा। अच्छा नाज़िम, ये गोला कबाब जो है ये अभी बन रहा है, मतलब ये एक हिस्सा इसका जो है ना वो स्टार्ट हुआ है। ये पहले सिकेगा, सिकने के बाद जो है ये एक बॉल में जाएगा या एक बर्तन में जाएगा और उसके बाद जो है ना ये मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। फिर मेरे ख्याल ये मक्खन, कितना टाइम लगता है भाई ये बनाने में? कम से कम 3 से 4 मिनट लगता है। 3 से 4 मिनट तो मैं वेट कर लूँगा आप। तो ये मतलब ख़ानदानी आप बता रहे हैं कि ख़ानदानी बिजनेस है माशाल्लाह। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मेरे को तो तकरीबन 5 साल हो गए, बाकी मेरे भाई वगैरह काम करते हैं उनको 10 साल हो गए। अच्छा, इस जगह को कितना टाइम हो गया? इस जगह को तो कम से कम 50 साल हो गए। तकरीबन 50 साल हो गए नाज़िन इस जगह को जो ना। ये अंकल ने मुझे एकदम से, मैं गया मैंने सलाम किया और मैंने बोला अंकल एक वीडियो बनानी है, उन्होंने हाँ बेटा बिल्कुल बना लो। ये होता है बड़ापन। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई मदद मांगने के लिए आ गए। तो भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं या लोग अगर आपसे आके कोई बात करते हैं तो वो आपकी परमिशन भी लेना चाहते हैं और फिर उससे आप, मुझे पता है कि हम यूट्यूबर्स जो होते हैं वो क्या किसी को प्रमोट कर सकते हैं अल्लाह की ज़ात प्रमोट करने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी कोऑपरेशन से ये होता है कि उनका एक दिल बड़ा हो जाता है, उनको मोटिवेशन मिल जाती है और फिर कराची के जो जगहें हैं या पाकिस्तान में जो जगहें जिसको हम चाहते हैं कि वो दुनिया भर में देखी जाएं, तो इससे ये होता है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चले भाई अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने खाने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भाई जो है ये गोला कबाब भी देखें भाई कितनी कोई क्वान्टिटी है। भाई एक गोला कबाब में कितना कीमा होता होगा? आधा किलो करीब है। अच्छा, एक गोला कबाब में आधा किलो कीमा होता है ना, एक सीख के अंदर। ओके, ये 4 मिनट बाद जो है वो आप धागे निकालेंगे। अच्छा नाज़िर, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। मैं तो ये समझ रहा था कि भाई ये खाली अभी फ्राई मतलब सिकेंगे और उसके बाद ये कस्टमर को जो है वो सर्व कर दी जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अभी प्रोसेस में है। ये सिकने के बाद अभी भाई हमें जो है ना वो, और अच्छा भाई किस तरह ये क्लाइंट्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं आपके पास? फैमिलीज भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं नॉर्मल और लड़के भी आते हैं। और बकरा ईद पे क्या मसूकियात होती हैं? बकरा ईद पे सिर्फ सिकाई चलती है। अच्छा, तो वो क्या है वो बताएं मुझे, मैं बताऊं। बकरा ईद पे ये है कि अपना जो कबाब फ्राई होता है, हाँ रोटी होती है, हाँ और गोला कबाब होता है। यानी गोश्त अपना लाएं, मसाले आपके वो अलग? ये वाला कबाब गोश्त पार्टी का होता है, हाँ मसाले अपने होते हैं। और इसके चार्जेस क्या लेते हैं भाई ये पर के जी? भाई इसके चार्जेस अपना पिछले साल तकरीबन 400-450 का, अब वो महंगा हो जाएगा, अब हो जाएगा 600 रुपये लेंगे। 600 रुपये लेंगे भाई, 600 रुपये पर केजी जो है ना वो मैं अलाउंस कर रहा हूँ, खैर कंफर्म नहीं है अभी, भाई जो है वो कंफर्म करेंगे। लेकिन अपना इनका अपना मसाला होगा गोला कबाब का और जो भी आपको करवाना है बारबेक्यू के हिसाब से, और गोश्त आपका होगा। नाज़रीन ये देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से कबाब के। और कितना टाइम लगेगा सर? आपने नाम नहीं बताया अपना। उमेर नाम है। उमेर भाई कितना टाइम और लगेगा? हो गया, अब क्या होगा? अब इसका धागा निकलेगा। अच्छा नाज़रीन, अब इसका धागा निकाला जाएगा और ये भी एक पूरा प्रोसेस है धागे निकालने। उमेर भाई ये देख रहे हैं नाज़रीन, ये धागा भी निकलेगा इसका और फिर ये मुकम्मल। धागा कैसे,
ये देखें नाजिन, अब ये ना इसको मिक्स करके आधा आधा करके, अच्छा बीच में ही जो है ना इनका एक एक हिसाब भी है कि कबाब को बनाने के बाद बीच बीच में करके ये आसानी से धागा निकल जाएगा। वाह भाई वाह, ये देखें कोई हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भाई आपका धागा निकल गया ये, वाह भाई वाह। ये देख लें भाई, गोला कबाब खाने वाले शौकीन और फ्राई कबाब खाने वाले वो घर में भी अगर ट्राई करें तो ये धागा निकालने का तरीक़ाकार तो आज हमें पता चल गया कम से कम। उमेर भाई ने हमें धागे का तो बता ही दिया, बाकी कबाब हम बना सकें या ना बना सकें धागा निकाल लेंगे। उमेर भाई जिस तरह की आपने बताई है ना धागा निकालने का तरीका, बचपन से लोग तलाश कर रहे थे इसको कि कैसे धागा निकले। तो नाजिन ये तकरीबन जो है वो होगा 10 केजी होगा उमर भाई, ये 10 केजी जो है ना नाजिन ये अभी फ्राई इसको सेकने के बाद यानी बारबेक्यू वाला जो सिस्टम होता है जो हम सिगड़ी पे जो सेकते हैं वो इन्होंने सेक लिया। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना स्टार्ट होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या करेंगे उमर भाई, फ्राई होगा मक्खन में, मक्खन डालेंगे, मक्खन डाला हुआ है। अच्छा वाह भाई वाह, नाजिन ये मक्खन जो है वो मक्खन जो है वो फ्राई हुआ हुआ है, सिर्फ गरम हुआ। और ये उमर भाई कितनी देर का प्रोसेस है? ये भी तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट यानी कि मिक्स करने में, मिक्स करने में मक्खन में। ओके, एक जोत लेके गरम हो जाए, एक जोत हो जाए। अच्छा 50 साल से यानी कि ये कहलाता है जी वो जो कबाब जो जिसको हम कहेंगे कि कौन सा कबाब, कबाब फ्राई मक्खन फ्राई कबाब, मक्खन कबाब फ्राई। भाई उमेर भाई ने बहुत कोऑपरेट किया, इनके फादर हैं आपके? नहीं नहीं मैं इनके पास काम करता। अच्छा वो उमेर भाई कितना टाइम हो गया आपको ये काम में? अच्छा माशा, यानी कि हाउ नाउ है सारे काम। हाँ लेकिन ये क्या हुआ, सारे भाई वाले साहब यही काम करते हैं, यही करना है।